व्हाइट क्रिसमस व नववर्ष आगमन के लिए राजधानी शिमला पर्यटकों से लबरेज है। वहीं जिला प्रशासन की विशेष तैयारी भी इस संदर्भ में की गई है, जिसकी जानकारी उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने सिटी चैनल से साझा की। वहीं कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तहत भी सभी लोगों व पर्यटकों से दिशा निर्देशों की पालना अमल में लाने की बात दोहराई गई है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक नया वेरिएंट है कोविड-19 का, और ये वेरिएंट जो है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में और WHO भी ऐसी रिपोर्ट दे रहा है कि इसकी ट्रांसमिशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, और जो है इसकी जो फैलने की रफ्तार है बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसलिए इसका इससे बचाव करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें गवर्नमेंट ने जो है एक प्रोटोकॉल भी फिक्स किया है कि इसमें हमने किस तरह से इसको करना है, यानी कि जैसे कोई बाहर से विदेशी यात्री कोई आता है तो उसके लिए जो है बहुत ही डिटेल्ड प्रोटोकॉल जो है वो सरकार ने जारी किया है, जो हमने स्वास्थ्य विभाग और अपने जो SDMs वगैरह हैं उनके साथ शेयर किया हुआ है इसको ऑलरेडी, और जिसका पालन भी करवाया जा रहा है। तो लास्टली मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज एक WHO की रिपोर्ट में ये आया है कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट जो है सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ जो आपको बचा सकती है वो है आपका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। तो हमें जो है यही जो तीन जो मूलभूत नियम है कि मास्क लगा के रखना हमेशा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाथों को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करना, तो यही तीन मूलभूत नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो हम जो है ओमिक्रॉन के खतरे से बच सकते हैं, खुद की भी रक्षा कर सकते हैं और अपने परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो तीन नियम जिनका हम पिछले 1-1.5 साल से पालन कर रहे हैं, उन्हीं नियमों का हम अगर आगे पालन करते रहेंगे तो ओमिक्रॉन से हमें कोई खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।